उससे तिरंगे में केसरिया भरने का काम करती है। किसान की परिवारदार सदस्य से बड़ा देश के अंदर कोई देशभक्त नहीं है। मेरा आप सब लोगों से यह निवेदन है, जब देश के अंदर मीडिया पूरी तरीके से सरकार के दबाव में काम कर रहा है, सामने कई पत्रकार बंधु खड़े हैं, मैं उनसे निवेदन, देश को आजाद कराने के लिए अपनी भरी जवानी इस देश पर लुटा दी। हम लोगों को इस बात को साबित करना है, राजस्थान की धरती त्याग और तपस्या की धरती रही है, सदैव बलिदान देने वाली धरती रही है। अंत में चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि उठो धरती पुत्रों, फिर से सारा हिंदुस्तान ऐसा कदम महान उठे, दिल्ली के चौराहों पर फिर से किसान एकता गाना है, हुंकार हमारी किसानों को उनका हक दिलवाना है। उनके प्रणेता थे चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकेत, श्री राकेश जी टिकेत का, हम आपके साथ हैं टिकेत साहब, पूरा किसान आपके साथ है, पूरा किसान आपके साथ है, किसान एकता, किसान एकता। साफा देवर के स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। आज बोलते हैं एमएसपी लागू, मैं पूछना चाहता हूं कि एमएसपी किसान की मदद करना चाहते हैं तो एमएसपी को कानून में क्यों नहीं शामिल करते? उनकी नीयत साफ नहीं है, उनकी नीयत खराब है। आज इस कानूनों से जितनी कालाबाजारी बढ़ेगी, जितनी मुनाफाखोरी बढ़ेगी, आप अंदाजा नहीं कर सकते। साथियों, हमारी मंडियां बर्बाद हो जाएगी, हमारे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमारी करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाएगी, हमारा ताना बाना सारा नष्ट हो जाएगा। आज हमको एक चुका करके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तो हमारे देश के किसान का नाम जो खत्म हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा, और किसान की जमीन छीनने का जो इन्होंने जो षड्यंत्र रचा है, वो षड्यंत्र पूरे देश का किसान ये कामयाब नहीं होने देगा, ये मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं। आज हमारे प्रदेश के किसान की क्या हालात है, आज प्रदेश के किसान, मैं गया था गाजीपुर बॉर्डर, टिकेत साहब के साथ मैं बैठकर इनके सभी मुखियाओं को मैंने ये आश्वासन दे के आया आपकी तरफ से, और विश्वास जता के आया टिकेत साहब आपको कहीं पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, पूरे प्रदेश का किसान आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। इतना जरूर कहना चाहूंगी, जब तक सम्मानीय राकेश टिकेत जी ना बोले तब तक हमें उठना नहीं है, क्योंकि गर्मी में चने भी हम ही काटते हैं, ध्यान है ना हम सबको, तो ये गर्मी कुछ नहीं कहती, लेकिन उस दिल्ली की सरहद पे जिस सर्द ठंड के अंदर भी हमारे 10 लाख किसान बैठे रहे हैं, उसको भी महसूस करना है कि उन्होंने किस तरीके से इस आंदोलन को चलाया है। ये तीन काले कानून जो केंद्र की सरकार ने हमारे किसानों के ऊपर थोपे हैं, किसान का मतलब खेत में जोतने वाला जो हल जोतता है, बिरादरी नहीं होती, जात नहीं होती, किसान का मतलब खेत जोतने वाला, और जो तीन काले कानून हमारे ऊपर थोपे हैं, जब तक इनका इनको वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान पीछे नहीं हटेगा। अंदर जो गेहूं है वो आयात होता था अमेरिका से, लेकिन उस समय के नेताओं इंदिरा गांधी जी के कारण, उनके प्रयासों के कारण भारत जो है वो आत्मनिर्भर बना, किसान जो किसानों की आवाज बन के वो निकले थे। अभी तक जितनी भी पार्टियां आई है सभी ने किसानों के लिए अपनी आवाज उठाई है, लेकिन अब जो ये मोदी सरकार आई है उसने किसानों के विपरीत जो योजनाएं वो लेके आए हैं, काले कानून जो लेके आए हैं, उसके खिलाफ आज सारे कानून आज किसान खड़े हैं। हमने जीएसटी भी झेल ली, बेरोजगारी भी झेल ली, नोटबंदी भी झेल ली, लेकिन जो ये किसान है वो आवाज नहीं दबाएगा। ये जो तोहफा है जो हमें बिन मांगे मिल रहा है, ये तोहफा हम नहीं कबूल करेंगे। समय थोड़ा, साथियों हमारे तो खून में ही आंदोलन था। मैंने तो नवंबर में जब ये बिल राजस्थान की विधानसभा में केंद्र के बिल के खिलाफ बिल आए थे, तभी कह दिया था कि रड़क पारते ये रड़क है, और मोदी जी को कहना चाहते हैं तुम्हारा पैम भी कट जाएगा और तुम्हारा हैंड भी टूट जाएगा।
खरीदना पड़ेगा ये लड़ाई। साथियों, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि जो जोश हम किसान पंचायतों में लेके आ रहे हैं, वैसा जोश अब हमें क्षुद्र मोर्चा के आह्वान पर जो भी कॉल आए, जो भी आह्वान आए, उस पर वही जोश लागू करना है। और कह रहा है, हे सर भी बहुत बाजू भी बहुत, करते ही चलो बढ़ते ही चलो। इंकलाब जिंदाबाद किसान का। सरकार मानने को तैयार नहीं है। आज भी तीन बिल ले आए, बिल जाने से पहले देश में गोदाम बने, गोदाम बड़े बड़े गोदाम बना दिए, बिल आए देश में कानून बाद में आए। इसका मतलब साठ गांठ व्यापारियों के साथ में ज्यादा थी, किसानों के साथ में धोखा था। एमएसपी पे कानून नहीं है, जब उनको कहा कि एमएसपी पे कानून बना दो, एमएसपी तो इसमें ही नहीं। मतलब व्यापारी माल को आधे में रुकेगा, अपने गोदामों में भरेगा, बाजरा यहाँ पे 11 से 12 13 रुपए किलो बिकेगा, और जब दिल्ली के लोग शहर के लोग बाजरे का आटा जब खरीदेंगे, अभी खरीदा हमने 4 दिन पहले 5 दिन, 65 रुपया किलो मिला है, 65 रुपया किलो। आपको साबित करना है कि ये लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित हो। यहाँ पे बड़ी बड़ी लड़ाइयां यहाँ पर लड़ी, रियासतों के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई। यहाँ पे जो क्षेत्र है जिसे हमने कुंभारा मारी है, इनकी किताब में पढ़ी है, इन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, किसानों के पक्ष में फैसले लिए, तो देख लो यहाँ पर बहुत आंदोलन हुए। वो पानी के आंदोलन हो, वो जमीन बचाने के आंदोलन हो, रियासतों के खिलाफ आंदोलन यहाँ के लोगों ने करे। यहाँ पे जातिगत समीकरण बहुत गहरे गड़े हुए हैं। एक नई कौम को ईजाद करना होगा अगर राजस्थान को जिंदा रहना है। कोई भी आपका मंच हो, जब आप किसान संगठन की मीटिंग करो, उस पर दो चीजों का हमेशा अगर ध्यान रखोगे तो ये राजस्थान का किसान बचेगा। एक तो पॉलिटिक्स की बात मत करना, और दूसरा किसी जाति की बात मत करना। एक नए बिरादरी को जन्म दो, उसका नाम होगा किसान। हमें नहीं पता रहता उत्तर प्रदेश में, इसमें मध्य प्रदेश में बहुत जगह जब जाते हैं कि कौन पदाधिकारी किस जाति का है, लेकिन राजस्थान, कुछ बैठ हरियाणा, कुछ मध्य प्रदेश में बहुत जगह निकलती है। ये किसान बिरादरी एक है। टिकैत साहब का ये था कि वे होका भी एक पीते थे, सबका इकट्ठा ही पीते थे। आप होका होका एक कर दो, ये निमट जाएगा, सब निमट जाएगा, के साथ की लड़ाई मजबूती से लड़ जाएगी। प्यास साथी अपना अलग कर लेना, लेकिन होका पानी जरूर एक कर दो। सारे खेती किसानी वाले लोग हैं। दिल्ली के कानून बहुत सख्त बना दिए उन्होंने। अभी तो बिजली अमेंडमेंट बिल है जिसमें वापसी की उन्होंने बात करी। अगर किसी के पास में दो गाय या दो भैंसे होंगे, दो ऊंट होंगे, तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा उसको। ये नहीं अभी आपको जानकारी। सीड बिल आ रहा, बीज का कानून आ रहा है देश में, उसकी बीज की पुलिस बनेगी अलग से। अगर आपने कोई कंपनी का बीज बो दिया और किसी ने आपके खिलाफ कार्रवाई करनी, दो मुट्ठी बीज, एक किलो बीज आपके खेत में को बगा दियो, और जब आपके वो पेड़ उगेंगे, वो कंपनी आएगी कि मेरा बीज इसके खेत में है, तो आपको पुलिस आपके खिलाफ केस रजिस्टर करेगी। आपका जुर्माना सजा दोनों है उसमें, ये कानून भी लाइन में है। कानून बहुत से आ रहे हैं, उन सब के खिलाफ ये लड़ाई है। ये लड़ाई एक नया कॉन्सेप्ट चला, व्यापार चला है, सोने का व्यापार नहीं अब होने वाला। जो हमारी माताएं जो बहनें बैठती हैं,
ये 17 बार एक सोने का इस्तेमाल करते हैं, एक साल में 17 बार उसको पहनती है, लेकिन जो भूख लगती है वो 700 बार लगती है एक साल में। उन्होंने कहा कि भूख पर व्यापार करेंगे, अनाज को तिजोरी में बंद करेंगे, उनको कोठियों में बंद करके ऊपर ताले लगाएंगे, चापी बम्बई और विदेशों में रहेगी उसकी चापी। रोटी बाजार की वस्तु होगी, रोटी को तिजोरी में बंद होगी, जो गरीब आदमी है रोटी के लिए तरसेगा। आपको भूख इतनी लगी है किस टाइम पे, उसी टाइम पे रोटियों की कीमतें तय होगी। ये देश में नया व्यापार आया है, किसान भी मरेगा, जो कंज्यूमर है वो भी मरेगा, शहर के लोग भी बर्बाद होंगे पूर्ण रूप से, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है किसान भी बर्बाद होगा। ये रोटी बचाने का आंदोलन है, अगर आप आंदोलन से नहीं जुड़ोगे तो ये जमीन ले जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जाएगी, दूसरी चीजों के माध्यम से जाएगी। अगर अपनी जमीन बचानी है तो नौजवान को अपने खेत की मिट्टी से अपनी बॉडी को टच करना पड़ेगा। जब तक वो अपने खेत की मिट्टी को अपने गांव के अपने घर के मंदिर में नहीं रखेगा, उसकी पूजा नहीं करेगा। ट्रैक्टरों से आंदोलन निकल रहे हैं, विदेशों में लोग ट्रैक्टरों से आंदोलन कर रहे हैं, 3.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली की धरती पे गए, मोर्चे दिल्ली की चारों तरफ को लगे हुए हैं। 40 लाख ट्रैक्टरों का टारगेट इस आंदोलन से पूरे हिंदुस्तान में जोड़ने का है, और वे ट्रैक्टर होंगे जो भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिए। आपको तो शायद पता भी नहीं होगा कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप चला नहीं सकते। अगर आंदोलन फेल होता है तो 10 साल पुराना ट्रैक्टर आपका तोड़ा जाएगा, डीजल से चलने वाला पंपिंग सेट आपका तोड़ा जाएगा। या किसी किसान की हैसियत है कि 10 साल में ट्रैक्टर खरीद रहे, यहाँ 20-20 और 30-30 साल पुराने भी ट्रैक्टर होंगे। हमने वो ट्रैक्टर जो चलवाए वो ट्रैक्टर थे जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर थे, दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर ट्रैक्टर चला। ये ट्रैक्टर फिर चलेगा, ये ट्रैक्टर जो भी आंदोलन में शामिल होंगे उनकी संख्या 40 लाख होगी, पूरे हिंदुस्तान भर में जाएंगे हम। इन्होंने कहा कि बंगाल की क्यों बात करते हो, झारखंड के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ से ट्रैक्टर जाने की जरूरत नहीं, झारखंड से कई हजार ट्रैक्टर बंगाल में जाएगा। रोटी की लड़ाई है, जो किसान हमारा है, जो नौजवान है उसकी लड़ाई है। ये कमेटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, एक गांव से एक ट्रैक्टर 15 आदमी, उनको रिपीट करते रहो, अपने गांव का घर गांव में रखो। किसी बाहरी आदमी को ठग ठगे बहुत आएंगे पर्चीबाज, बाहर के आदमी को पैसा नहीं देना किसी को, अपने गांव का घर गांव में रखो और अपने गांव का ही ट्रैक्टर आपके मोर्चे बजाए वहां पे। ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा, देश की आजादी जब हुई तो 90 वर्ष आंदोलन चला था, 90 साल लगे थे उसमें। ये किसान की आजादी की लड़ाई है, ये लंबी चलेगी। सामने वाले बहुत ताकत हम लोगों ने उनको दी, बड़ी सरकारें बन रही उनकी, लेकिन किसान भी हटने वाला नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि किसान गर्मी में चला जाएगा, ये किसान ना गर्मी में जाएगा, ये तो तपती हुई धूप में खेत की कटाई करता है, अगर टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री नहीं होगा तो ये किसान का खेत नहीं पकता, उसका भूसा ठीक नहीं बनता, वो चने जब काटता है तो टेम्परेचर अगर हल्का रहेगा तो चने की क्वालिटी खराब हो जाएगी, गेहूं की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो हम तो ऊपर वाले से कहते हैं कि गर्मी तो दे दे, जब ही तो भूसा ठीक होगा, इनको क्या पता कि भूसा कैसे ठीक होता है। ये तो ये किसान गर्मी में भी आंदोलन करेगा, ये किसान आने वाली बरसात में भी आंदोलन करेगा, और ये जब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा और हमारी कमेटी से भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी। आंदोलन को आप जिंदा रखो, और जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पे सहयोग दिया उन सबका धन्यवाद, सभी पुलिस प्रशासन का धन्यवाद, जो यहाँ पर है सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद, समस्त कमेटी का धन्यवाद, और जो लोग यहाँ पर सरकारियों की भूमि है आप उठो जाको, जय राजस्थान, जय किसान।
जय किसान। और एक नारा और रहेगा, अब हल चलाने वाला अब हाथ नहीं जोड़ेगा, हल चलाने वाला हाथ नहीं, किसी भी अधिकारी के सामने जाओगे सरकार के सामने हाथ नहीं जोड़ेगा। ये नारे होंगे यहाँ के राजस्थान के, ये नारे पूरे देश के होंगे। और दूसरा होगा, हम ही किसान है, हम ही जवान है, ये जवान भी हम ही है, हम ही किसान है, अमर शहीदों का बलिदान, अमर शहीदों का बलिदान। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद किसान। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे YouTube चैनल महेश कुमार पारिक को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आगे आने वाले वीडियो को देख सकें। साथ ही आगे बने घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन